नमस्कार, मैं हूं योगेश भट्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क। 17 दिनों के कठिन संघर्षों के बाद आखिरकार उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों का मंगलवार देर रात सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। यहां विज्ञान, आस्था और तकनीक का बेजोड़ कॉम्बिनेशन देखने को मिला। सुरंग से बाहर आए यह मजदूर अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इन श्रमिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देर रात टेलीफोन पर बातचीत की। इस टीम के लीडर रहे गब्बर सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की। श्रमिकों के हौसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने मजाकिया ढंग से एक बात कही। पीएम ने कहा, ट्रेन में सफर करते हुए भी तू तू मैं हो जाती है, लेकिन आप लोगों ने इन 17 दिनों में जो हौसला और एकजुटता दिखाया, यह काबिले तारीफ है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? सभामत बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उसे स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब सकुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इशारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है, लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर, हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन में कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं, मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना, अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत
बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ गब्बर सिंह नमस्ते सर। जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे, तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बार बार बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर, ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनका उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बधाई हुए रास्ते पे चले सर। और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। जय हिंद, जय भारत। आपने बहुत संभाला, लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा, आपको शायद अंदर अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी, पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी। और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट रहता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही और चिंता और बढ़ जाती है, तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया उन्होंने। चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, आंसू आ जाना, दुख होना तो स्वाभाविक है। अच्छा आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते, वैसे अंदर कोई थे जिससे के कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम एक लैंड स्लाइड हुआ था सर, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर, मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर वो। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब सर, मेरे भाई साहब वो भी लगातार तब से हमारे साथी बने हुए, बाहर से उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर। वो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में ऑफिसर थे सर, उनको हमारे अंदर थे क्या? नहीं सर वो बाहर में थे, बाहर से वो हमारा हौसला बढ़ाते थे सर। नहीं बाहर वालों के संपर्क में मैं लगातार रहा, बाहर वालों के तो संपर्क में मैं लगातार रहा क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी। और मैं चाहूंगा साहब मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैठे हो, तो मेरा पहला आग्रह था कि वहाँ सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए, लेकिन मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों की तबीयत इतनी बढ़िया है, ये लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं रात को ही बात कर लेता हूँ सबसे। जी सर, जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भैया। जय भारत, भारत माता की जय सर। भारत माता की, भारत माता की जय।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस आपके जो नारे हैं ना, देश सुनकर के आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर सभी शर्म में खुश हैं। इन 40 लोगों को सकुशल बताने के लिए पूरे देश की प्रार्थनाएं और दुआएं भी काम आई, साथ ही देश की तमाम एजेंसियों की मेहनत भी रंग लाई है। दोस्तों, उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर आप क्या सोचते हैं और निकट भविष्य में इस तरह की घटनाएं फिर ना हो, इसके लिए सरकारों को क्या प्रयत्न किए जाने चाहिए, आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।